हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आज दोस्तों यूएस टैक्स कैसे भरा जाता है ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, आपने गूगल एडसेंस भी वेरीफाई कर लिया, गूगल एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कर दिया, लेकिन आपको एक स्टेप और अभी करना बाकी है, यूनाइटेड स्टेट टैक्स फॉर्म भरना। हाँ दोस्तों, यूएस टैक्स फॉर्म भरना। तो दोस्तों आज मैं आपको यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है यही मैं सिखाने वाला हूँ। वीडियो बड़े ध्यान से देखे, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चल के मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा और आपको YouTube से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ दोस्तों घंटी वाले निशान को यानी कि बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे यूएस टैक्स फॉर्म भरा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेकर आ गया हूँ और मैं अब खोलता हूँ अपना क्रोम। तो मैंने ये क्रोम पे क्लिक किया। अब मैं जो क्रोम का सर्च बार जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करता हूँ। सर्च बार में मैं लिखता हूँ गूगल एडसेंस, GOOGLEADSENSE, गूगल एडसेंस, ये आपको लिख के और सर्च कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे साइट आ गई एक ऊपर ही ऊपर एडसेंस गूगल, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने क्लिक किया और ये गूगल एडसेंस की साइट खुल चुकी है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ऊपर ये थ्री डॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके और डेस्कटॉप साइट पे आप इसको इनेबल कर लीजिए। ये देखिए डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, तो यहाँ पे इनेबल इसको कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों अब अपना मोबाइल कंप्यूटर बन चुका है। डेस्कटॉप साइट पे करने से कंप्यूटर की तरह अपन इसमें काम कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, साइन इन करें। अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ है तो साइन इन कर सकते हैं, अपना पासवर्ड और जीमेल डालेंगे साइन इन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है तो मैं क्लिक करूंगा। देखिए ये कोने में लिखा हुआ है शुरू करें, मैंने हिंदी में कर रखा है तो इसलिए यहाँ आ रहा है शुरू करें। अगर आपने इंग्लिश में किया हुआ है मोबाइल को तो यहाँ पे आएगा गो इट, तो मैं देखिए इस पे गो इट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी सारी जीमेल आ गई है, जितनी भी जीमेल मोबाइल में है पूरी जीमेल खुल गई है। तो अब आपको जिससे आपका गूगल एडसेंस खाता बना हुआ है उसी जीमेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं उस जीमेल से ये देखिए सेलेक्ट करता हूँ उस जीमेल को, तो प्रोसीड चल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये खुल गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ऊपर देखिए जूम करके दिखाता हूँ, यूट्यूब से मिला पेमेंट कुछ समय के लिए रोका गया है क्योंकि खाते की समस्याओं को हल करना बाकी है। समस्या क्या है कि अपन ने अभी इसमें यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरा है, वही अब हम इसमें भरने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्रिया और आपके आ रहा होगा इंग्लिश में अगर आपने कर रखा है तो एक्शन, तो एक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक्शन पे मैंने क्लिक किया तो अब ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। और अब देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, ये पक्का करने के लिए कि लेन देन के अगले साइकिल में अपना लेन देन शामिल किया जा सके, इसके लिए कृपया अपने टैक्स की जानकारी दें, इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपडेट करें, तो इस अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपको ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, लिखा है ये देखिए टैक्स फार्म जल्द से जल्द सबमिट करें, आपके टैक्स फार्म को मंजूरी मिलते वक्त गूगल आपके पे आउट का 30% या पूरा पे आउट रोक सकता है। अमेरिका के अंदरूनी आय के कोड के तहत गूगल की ये जिम्मेदारी है कि ये अमेरिका में हुई आय पर टैक्स काटे और उसकी जानकारी दे। तो देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कर जानकारी जोड़ें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, शुरू करने से पहले इसमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, आपका खाता सुरक्षित रखने के लिए हमें आपकी पहचान की पुष्टि करनी होगी। ये पोथी पत्री जो भी लिखी है आप पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो जो है आप यहाँ नीचे देखिए फॉर्म भरना शुरू करें। तो मैं यहाँ पे इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों खुल रहा है, इतने में दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे तो दोस्तों मैं ट्रैवलिंग वीडियो बनाता हूँ,
लेकिन आप जैसे यार दोस्तों के लिए और मेरे चैनल पर क्या कुछ चल रहा है इसके लिए मैं दोस्तों सभी कुछ दिखाना पसंद करता हूं, क्योंकि ये आपको भी अच्छा लगता है। बहुत से मेरे यूट्यूबर भाई बहन हैं वो भी कमेंट करते हैं कि आप जो भी प्रतिक्रिया अपने चैनल पर करते हैं वो सभी दिखाया करें, तो बीच बीच में मैं ऐसी वीडियो भी दिखा देता हूँ, तो ये भी आपको पसंद आएगा दोस्तों, ज़रूर पसंद आएगा। लगातार वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पर प्रेस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब ये इंटरफेस खुला है, तो इसमें अब मेरे पासवर्ड ये मांग रहा है, तो मैं यहाँ पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पासवर्ड फिल कर दिया है और अब फार्म भरना शुरू करते हैं। ऐसा इंटरफेस आ गया है, तो देखिए दोस्तों मेरा नाम आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों मैंने हिंदी में कर रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो ऑप्शन है, मैंने हिंदी में कर रखा है, तो एक ऑप्शन पहला एकल, दूसरा है गैर व्यक्तिगत इकाई, यानी अगर आपका इंग्लिश में होगा तो पहला ऑप्शन होगा इंडिविजुअल और दूसरा ऑप्शन होगा नॉन इंडिविजुअल, तो आपको इंडिविजुअल पे टिक करना है। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर वाले पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ, और तो मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों, अगले ऑप्शन में तो यहाँ पे लिखा है, क्या आप अमेरिका के नागरिक या निवासी हैं? नहीं, मैं तो भारतीय हूँ, भारत का हूँ, इंडिया का हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अमेरिका का मैं नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने टिक लगाया और नेक्स्ट पे आगे चलता हूँ। तो देखिए यहाँ भी दो ऑप्शन है, W8BN यानी W8BAN। आमतौर पर इस फार्म का इस्तेमाल गैर अमेरिकी व्यक्ति करते हैं, इसका इस्तेमाल टैक्स समझौते से जुड़े फायदे पाने के लिए भी किया जा सकता है, तो पहले पे मैं टिक करूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन पे मैंने टिक किया है, दूसरे ऑप्शन पे वह लोग टिक करेंगे दोस्तों जिसका एडसेंस कारोबार से जुड़ा है, जो कारोबार करते हैं, तो अपन तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं इसलिए पहले पे क्लिक किया है। अब चलेंगे दोस्तों W8BN फॉर्म पर जाएं, ये देखिए नीचे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, W8BN फॉर्म खुलने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर अपना नाम ये कैच कर लेगा, अगर कैच नहीं करता है तो दोस्तों आपको वही नाम डालना है जो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में पहले से है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपन ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, और देखिए, और तीसरा ऑप्शन है उस देश इलाके का नाम चुने जहाँ के आप नागरिक हैं, यानी तो इस पे मैं देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देश चुनेंगे जिस देश में आप रहते हैं। तो दोस्तों मैं इंडिया में रहता हूँ यानी कि भारत में रहता हूँ, तो मैं भारत चुनूंगा, तो ये देखिए मैंने भारत पे क्लिक किया है। और अगले ऑप्शन में ये पूछ रहा है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN, यानी कि यहाँ पे आपको जो विदेशी TIN लिखा है यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पैन कार्ड फिल कर दिया है, और इसमें अगला ऑप्शन आ रहा है अमेरिका का टिन या SSN, तो अपन अमेरिका के हैं नहीं, इंडिया के हैं, तो अपन ने पैन कार्ड इसमें फिल कर दिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, तो देखिए दोस्तों अगला इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, अपना पूरा पता यहाँ पे लिखना है, तो ये जो बॉक्स है इस पे आप टिक कर देंगे, और नीचे आ रहा है स्ट्रीट पते पे आप क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अपना जो गूगल एडसेंस में एड्रेस दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करेंगे, ये दोस्तों पूरा अपने आप ले लेगा, और डाक का पता और घर का स्थायी पता एक ही है, यहाँ भी आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ भी अपना वही फिल हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, तीसरा स्टेप आ चुका है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है भारत और अमेरिका के बीच टैक्स समझौते हैं, क्या आप टैक्स समझौते के तहत टैक्स कटने की दर को कम करने का दावा कर रहे हैं? यानी कि हाँ, अमेरिका और इंडिया में टैक्स समझौते हैं, यानी टैक्स ट्रीटी है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे पूछ रहा है टैक्स देने वाला व्यक्ति उस देश का नागरिक है जहाँ अमेरिका के साथ किया गया इनकम टैक्स समझौता लागू होता है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने के बाद में नीचे आइए, देश पूछ रहा है, तो दोबारा से अपना देश यहाँ पे डाल देना है, तो मैं इंडिया से हूँ, भारत से, तो मैं यहाँ भारत डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने भारत चूज कर लिया है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों विशेष दरें और शर्तें, अमेरिका में कमाई गई कुछ खास तरह की आय के लिए आपको टैक्स में छूट मिल सकती है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कृपया लागू होने वाले सभी विकल्प चुनें। तो देखिए दोस्तों पहले पे यहाँ है सेवाएं जैसे कि एडसन्स, दूसरा है मोशन पिक्चर और टीवी रॉयल्टी, तीसरा है अन्य कॉपीराइट से मिली रॉयल्टी जैसे कि पे और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो पहले वाले पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आर्टिकल पैराग्राफ, तो आर्टिकल पैराग्राफ ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आया है आर्टिकल 7 और पैराग्राफ 1, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ये यहाँ पे चला जाएगा। और टैक्स कटने की दर, टैक्स कटने की दर दोस्तों 0%, यानी पहले वाले पे अपन क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस ऑप्शन पे टिक कर देना है, यहाँ पे अपने को टिक कर देना है, टैक्स देने वाले की पहचान सेक्शन में मौजूद ज्यादा जो लिखा हुआ है यहाँ पे टिक कर देना है। अभी अपने को दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये देखिए मोशन पिक्चर और टीवी रॉयल्टी, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल और पैराग्राफ। अब आपको दोस्तों आर्टिकल और पैराग्राफ पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2A यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये ऊपर अपने आप फिल हो जाएगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन है दोस्तों टैक्स कटने की दर, तो देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए 15% कम की गई टैक्स कटने की दर, तो यहाँ पे 15% पे टिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे फिल हो गया है। इसको फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है, टैक्स देने वाले के पहचान सेक्शन में मौजूद फायदा पाने वाले ये कुछ लिखा है, यहाँ पे भी आपको टिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों तीसरे ऑप्शन में चलना है और यहाँ पे अपने को टिक करना है, यहाँ पे टिक करेंगे तो आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2A यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे भी टैक्स कटने की दर यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे देखिए 15% कम की गई टैक्स कटने की दर, यहाँ पे आपको क्लिक करके ये यहाँ पे फिल कर देना है और नीचे यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अगला यानी कि नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों आगे खुल रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए दोस्त चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों चौथा स्टेप आ गया है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है अमेरिका में की गई गतिविधियाँ और दी गई सेवाएं, क्या टैक्स देने वाले की पहचान सेक्शन में बताए गए व्यक्ति ने अमेरिका में गूगल के लिए कोई गतिविधि की है और सेवाएं दी हैं? तो नहीं, यानी कि अमेरिका में मैंने कोई सेवाएं नहीं दी हैं, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा और आई सर्टिफाइड पे मैं यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। चार स्टेप पूरे हो चुके हैं और पांचवे स्टेप पे अपन आ गए हैं। अब देखें दोस्तों पांचवा स्टेप टैक्स रिपोर्टिंग, अमेरिका टैक्स दस्तावेज पाने के लिए, यानी कि अब आपको नीचे आ जाना है और इस पोथी पत्री को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिलीवरी पाने के लिए जुड़ा कानूनी समझौता स्वीकार करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। दोस्तों इस पे टिक करने का मतलब है कि आपको जो भी कानूनी दस्तावेज टैक्स से संबंधित दस्तावेज मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे। और यहाँ पे नीचे वाले पे अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे डाक पते पर दस्तावेज पाएं तो आपको डाक पते पर भेजा जाएगा, तो मैं ये वाला क्लिक करता हूँ, ई डिलीवरी पाए हम इसका सुझाव देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों छठे स्टेप में आपको दस्तावेज की झलक, यानी आपका जो भी आपने अभी दस्तावेज दिए हैं भरे हैं वो सभी आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू आ गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए नीचे लिखा है मैं इस बात की पुष्टि करती हूँ कि मैंने टैक्स में जनरेट किए गए दस्तावेजों की समीक्षा कर ली है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये बिल्कुल सही और पूरे हैं। तो चलिए दोस्तों आई एग्री यहाँ पे टिक कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। या अब देखिए दोस्तों आपके सामने छह स्टेप पूरे हो चुके हैं और सातवां स्टेप आ चुका है। आपने स्टेप में सर्टिफाइड एंड साइन का यानी कि प्रमाणित करें और साइन करें, तो यहाँ पे झूठी गवाही के दंड के तहत मैं ऐलान करती हूँ, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप टिक कर दीजिए। दोस्तों नीचे आइए, तो नीचे आने के बाद में आपको यहाँ भी टिक कर देना है। नीचे देखिए दोस्तों साल 2016 से अब तक का कोई साल डालें, 2016 के बाद में आप कोई भी साल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 2023 डाल देता हूँ। अब आपको दोस्तों नीचे चलना है। अब देखिए दोस्तों आपका हस्ताक्षर, मैं स्वीकार करता हूँ कि ऊपर दिए गए टैक्स फार्म पर किए गए हस्ताक्षर मेरे ही हैं
तो यहाँ पे मैं हाँ करूँगा, यानी कि यस वाले पे टिक करूँगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे अपना नाम या कानूनी नाम जो है एडसेंस अकाउंट में वो डाल देना है, वैसे ये नाम अपना वैसे ही डल जाएगा। तो यहाँ पे अब सबमिट कर देना है, तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म को सबमिट करने के बाद में ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा है पुष्टि करने की प्रक्रिया जारी है। नीचे लिखा है दोस्तों, टैक्स की पुष्टि करने से जुड़ी अपनी जानकारी सबमिट करने के लिए धन्यवाद। टैक्स की जानकारी पुष्टि होने पर हम आपको ईमेल भेजेंगे, जरूरत पड़ने पर हम आपसे कुछ और दस्तावेज मांग सकते हैं। इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 24 घंटे से पहले आपके पास ईमेल आ जाएगा और आपका यूएस टैक्स फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे लिखा है ठीक है, यानी ओके पे मैं क्लिक करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट में आपका पूरा फॉर्म, आपके पूरे फॉर्म की डिटेल यहां पर आ गई है। तो देखिये यहां पर लिखा है दोस्तों, स्थिति समीक्षा की जा रही है। दोस्तों इसके आगे जो ये बकेट का निशान है, यहां पर आप भूल से भी अंगुली मत रखना, नहीं तो पूरा काम डिसमिस हो जाएगा और आपको फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा। ये देखिए नीचे लिखा है, फिल्म और टीवी टैक्स कटने की दर 15% समीक्षा की जा रही है। अन्य कॉपीराइट टैक्स कटने की दर 15% समीक्षा की जा रही है। सेवाएं टैक्स कटने की दर 0% समीक्षा की जा रही है। यानी दोस्तों, आपके यूएस टैक्स फॉर्म की जो अभी आपने भरा था, फिल किया था, उसकी गूगल समीक्षा करेगा और आपके पास ईमेल भेज देगा। तो देखता हूं दोस्तों, मेरे पास अभी ईमेल आया है या नहीं आया है, चलिए आपको ईमेल दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ईमेल आ गया है और इसको मैं खोलता हूं, क्या लिखा है इसमें। ये देखिए, गूगल पेमेंट टैक्स की जानकारी को मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों मेरा फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया है और नीचे देखिए यहां भी लिखा है टैक्स की जानकारी को मंजूरी मिल गई है। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।